हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको स्लीव्स पे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने अपनी स्लीव्स को कट करके रखा है और ये मेरी लॉन्ग स्लीव्स है। अब देखिए, मैं इस पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, मैंने अपनी डोरी को कट कर लिया है और ये जो स्ट्रिप मैंने तैयार की है वो उसकी जो लेंथ है वो 3-3 इंच पे है। अब देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम सेंटर पे मार्किंग कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई का, यहाँ पे मैंने 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन लिया है। यहाँ पे हम इसे मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब इसके अंदर हमको अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। मैं इस साइड भी यहाँ पर सेम ऐसे ही निशान लगा दे रही हूँ। अब देखिए, यहाँ से हम जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उसको हटाते हुए हम यहाँ पे पूरे पे 1-1 इंच पे मार्क कर देंगे। कि देखिए, आपको ऐसे 1-1 इंच पे मार्क कर देना है। अब यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रिप को ले लिया है। इसके बाद स्ट्रिप को आपको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे लगाते हुए इसको यहाँ अटैच करना है 1-1 इंच के गैप पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप 1/2 इंच का मार्जिन ले सकते थे और 1/2 इंच के गैप पे भी अपने डिज़ाइन को बना सकते थे। यहाँ पे हम अपना दूसरा जो हमारा डिज़ाइन बनाना है उसे अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे आपको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए, मैंने आपसे 2.5 इंच पे लंबाई पे मार्क किया और 2 इंच हम यहाँ पे चौड़ाई पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको जो हमने मार्क किया है इस पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे एक अपना कोल्ड शोल्डर को डिज़ाइन दे देंगे। यहाँ पे मैं कप शेप लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे वी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप मैंने कप शेप लगा लिया है। इसके बाद मैं इस डिज़ाइन को कट कर दूँगी। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा अस्तर वाला स्लीव्स है। अगर आप इसे प्लेन फैब्रिक पे, सिंगल फैब्रिक पे बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं इसी मेथड से। अब देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद आपको एक चीज़ को मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जब भी आप कोल्ड शोल्डर को कट करें तो ऐसे आप 1/2 इंच पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर लें, तो आपका जो कोल्ड शोल्डर बनेगा वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा और यहाँ पे कभी भी झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे ये मतलब फ्रंट पार्ट है, तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की शेप दे देंगे और 1/2 इंच नीचे से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, हाँ पे हमारे ये फ्रंट का पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे फ्रंट के पार्ट की ये ड्राफ्टिंग होगी। अब जब भी मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि आप कोल्ड शोल्डर कभी कभी लोगों का ख़राब हो जाता है, तो अगर आपको ये 1/2 इंच मैंने आपको जो बताया, अगर आप इसे कर लेंगे तो आपका कभी भी कोल्ड शोल्डर ख़राब नहीं होगा। अब देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब जो हमने डोरी बनाई थी हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये सीधा साइड है हमारा और सीधे साइड पर आपको ऐसे अपने मतलब रखना है स्ट्रिप को और ऐसे इस पर सिलाई करनी है। आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे सिलाई लगानी है। ये देखिए, आपको सीधे रखते हुए और ऐसे डिज़ाइन देते हुए आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को अटैच करना स्टार्ट किया है। अब देखिए, मैंने अपने डिज़ाइन को लगा लिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट कर देंगे। जैसा
कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अस्तर वाला आस्तीन है, तो यहाँ पे जो हमारा ये अस्तर है हम इसे इसके ऊपर रख देंगे, सीधे तरफ है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा सीधे तरफ है और हमारा अस्तर वाला पार्ट हम इसे ऐसे रखेंगे और हम सही से इसको अटैच करेंगे। नीचे आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल सीधा हो और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसको पलट के अब देखिए हम इसके ऊपर भी स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे सेट कर लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे और अपने कपड़े को बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर फिर एक सिलाई लगा दूंगी जिससे जो हमारी डोरियाँ हैं बहुत अच्छे से अटैच हो जाएंगी। देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब इसके बाद आपको अपने कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप उसे कट कर दो और उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे और अब हम इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगाएंगे। लेकिन उसके पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है। जो हमारा कोल्ड शोल्डर वाला डिज़ाइन था हम सबसे पहले वहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। आपको पिन को हटाते हुए अच्छे से इस पे सिलाई कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ही सिलाई करेंगे, इसके बाद हम अपनी सिलाई को नीचे की तरफ कर देंगे और अपने कपड़े दोनों कपड़े को सही से सेट कर लेंगे। आपको पूरे ऑल ओवर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो क्योंकि ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है। देखिए हमने पूरे पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम फिर से इसे कट कर लेंगे। हमारा जो कोल्ड शोल्डर है हम उसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने औरे पट्टी ले ली है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। अब देखिए औरे पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको सीधे साइड पे रखते हुए यहाँ पे इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो हमारा ये गोल गोलाई का पार्ट है वहाँ पे हम इस पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे से, जिससे हमारा यहाँ पे झोल नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा हमारा कर्व शेप ले लेता है और यहाँ पे अगर हम इसको पलट देंगे डायरेक्ट तो यहाँ पे हमारा झोल आ जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। देखिए मैंने इस पे कट लगा लिया है। इसके बाद आपको इसको अंदर की तरफ करते हुए इसको पलट देना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी लेस का यूज नहीं किया है। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर स्टिचिंग लगा दूंगी और यहाँ पे आपको सही से स्टिचिंग लगानी है, क्योंकि ये हमारा सामने का पार्ट होगा और यहाँ पे हम कोई भी लेस भी अटैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पार्ट हमारा बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए। देखिए हमारे इस पार्ट में कहीं पर भी झोल नहीं आया है, ये देखिए बिल्कुल सही बना है। और यहाँ पे हम तुरपन कर लेंगे। जो हमारा स्लीव्स है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे डबल फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप तुरपन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिलाई का जो मार्जिन था वहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। मैं इसे बाद पे लगाऊंगी, लेकिन मैं इसे अंदर की तरफ इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जो आपका एक्स्ट्रा धागा हो आप उसे कट कर लीजिए। देखिए ये डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्लीव्स का लुक बहुत ही सिंपल आए तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। आप इसे ब्लाउज़ पे भी बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।